हाँ, वेरी गुड इवनिंग जी। सो दिस इज़ अ न्यूज़ दैट वी वॉन्टेड टू शेयर विद यू। सो असी सोचा भी शाम नू 7 बजे आपां लाइव जाना ही है टू डू दीज MCQs एनवायरमेंट एंड साइंस दे। सो वेलकम टू लॉन्च पैड एजुकेशन पंजाब। माई नेम इज़ सुमित एंड ए अज चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस पंजाब दे ट्विटर हैंडल ने साढ़े नाल दोपहर को अज शेयर किया सी दैट 145 पोस्टां निकलणगियां। एंड जिहड़ी बेस्ट चीज़ है, जिहड़ा इस बार डिफरेंस आपां कह सकदे हां, अज तक दियां सरकारां ते इस सरकार हल्का जिहा आपां ट्रस्ट ज़्यादा क्यों कर सकदे हां बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, राइट? ऑफिशियल हैंडल्स या कोई भी चुनी हुई सरकार अपने आप नूं ऐसे प्रेशर दे विच नहीं पाती कि विद इन ईयर जिहड़ी रिक्रूटमेंट है वो असी पूरी करांगे। ये कैबिनेट ने अप्रूव की है, पंजाब की अज कैबिनेट मीटिंग सी, होर भी बड़े सारे फैसले लिते गए हैं। रूरल ऑर्डिनेंस दे विच एक सोध की गई है, अमेंडमेंट की गई है। नाउ दिस इज इन अ बिट टू स्ट्रीमलाइन फंक्शनिंग ऑफ वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन डिपार्टमेंट एंड टू प्रोवाइड बेटर रूरल वाटर सप्लाई टू पीपल अक्रॉस द स्टेट। पंजाब कैबिनेट ने 145 पोस्टा वाटर एंड सैनिटेशन डिपार्टमेंट दे विच अज अप्रूव कीतियां ने एंड PPSC ते PSSB ये दोवें बोर्ड्स जिहड़े ने उन्हां थ्रू ये रिक्रूटमेंट होएगी। सो दैट इज़ अ गुड न्यूज़। आने वाले टाइम दे विच होर भी आपां एक्सपैक्ट कर रहे हैं। ऑलरेडी PPSC ने कुछ भर्तियां कर दित्तियां ने जिहड़े लॉ दे ग्रैजुएट्स ने उन्हां वास्ते। सो दिस इज़ अ गुड न्यूज़ दैट ये एक टाइमलाइन भी अपने आप नूं दिंदे ने, ठीक है जी। सो ये वास्ते भी तैयार रहो। तैयारी की करनी है, तुसीं तां कर ही रहे हो जिहड़े यूट्यूब ते रेगूलरली यू आर कमिंग, तो तुसी तां तैयार ही हो, है ना? जिहड़े ऑलरेडी तैयारी कर रहे ने तुसी तां बेस्ट पोजिशन दे विच हो। बस जिहड़ा लास्ट पुश है मैराथॉन दा, जिहड़ा अखीरला हिस्सा हुंदा, दैट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट वन। जदों उदों भी जिहड़ा बंदा उदों भी भजदा रहिंदा है, ही और शी इज़ गोइंग टू बी सक्सैसफुल, ठीक है जी। सो इस तों अच्छी ऑपरचुनिटी नहीं आएगी हुण। हैलो नंदनी जी, हाउ आर यू? आई एम गुड, ओके। सो ये पोस्टां आ रही ने जी आने वाले टाइम दे विच, सो बी प्रिपेयर फॉर दिस। बट लेट बैक भी नहीं हो जाना कि 25,000 नौकरियां लग ही जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो 25,000 नौकरियां सुन के बड़े सारे लोग भी आ जाएंगे। थ्री ट्रिपल नाइन का शो हो रहा ओम चंद्र जी बैच, कोड अप्लाई कर लिया तुसी? कोड अप्लाई करो। वेरी गुड ईवनिंग कविता जी, सुमन जी, रोली, नैन्सी। आपां स्टार्ट करते हैं। देखो इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम तो तुसी 8999-6000 ते व्हाट्सएप कर दिया करो। शायद हो सकता वैबसाइट के उत्ते अपडेट ना होया हो, या फिर तुसी Vaisakhi10 जिहड़ा कोड है वह अप्लाई ना किया हो, ठीक है? सो एक बार अप्लाई करके देख लियो। अदरवाइज कोई भी प्रॉब्लम आवे दिस इज़ द नंबर, इतने कॉल कर लियो। मोस्ट लाइकली 9:30 to 6:30 वो थोड़ी क्वेरी का आंसर कर देंगे। सो चलिए जी स्टार्ट करिए फिर। Vaisakhi का मैराथॉन चल रहा है, साइंस से एनवायरमेंट MCQs करने ने, और भी बहुत सारी वीडियोस चल रही ने। एक बार चैनल देख लिया करो। आज भी 3-4 कमेंट्स आए ने करंट अफेयर्स वाली वीडियो के नीचे कि कॉन्टीन्यू कर लियो सर सीरीज़। वो ऑलरेडी कॉन्टीन्यूड है, क्यों नहीं कॉन्टीन्यू करांगे, बट वी विल कॉन्टीन्यू, डोंट वरी अबाउट दैट। सो ये बैचेस ने जी 3750 ही मिलेंगे तुहानू, जे वैबसाइट ते जो भी है कोड अप्लाई कर लियो, नहीं तो आ नंबरस ने इत्थे UPI कर लिया करो। बड़ा सिंपल जिहा प्रोसीजर है, UPI करके भी हो सकता है। ये वाला कोड है जिहड़ा इस वैबसाइट ते तुसी जाना है, launchpadeducation.in। डिस्क्रिप्शन दे विच लिंक भी है जिहड़ा सीधा तुहानू कोर्सेज दे उत्ते लै जाएगा। IAS, PCS, कोऑपरेटिव, नायब तहसीलदार, इन्हां दी टेस्ट सीरीज, ऑल द कोर्सेज। कल लास्ट डेट है 10% डिस्काउंट दी, ठीक है जी। सो टेक केयर ऑफ दिस जे तुसी प्लान कर रहे हो, फिर उस तो बाद ना मंगियो। सो मंथली इंस्टॉलमेंट्स या वन टाइम पेमेंट जो भी तुसी चाहते हो, अगे बड़ी सिंपली एक डिटेल दिती हुई है, वह भी तुहानू पता लग जाएगी। एंड वेरी सिंपल प्रोसीजर टू बाय द कोर्स एंड देन वी विल कंटैक्ट यू। अगर स्टडी मटीरियल है, बुक्स ने,
वो तुहाडा जिहड़ा एड्रैस तुसीं इत्थे पाणा उत्थे तुहानूं मिल जाएगा। एंड जे ऑफलाइन हो फिर तां तुसीं इत्थे आके साइड तो हथीं लईओ, है ना। सो IAS एंड PCS बैचेस भी चल रहे हैं, इहदी भी डेमो क्लासेस तुसीं लै सकदे हो। फॉर द न्यू स्टूडेंट्स आई एम टेलिंग दिस अगेन। ओके, चलो इन्नी देर दे विच बच्चे भी आ गए ने। शगुन स्कीम बारे भी तुहानूं पता होना है, लॉन्च पैड शगुन स्कीम मैराथॉन्स दे विच जिहड़े हर संडे तां हुंदे ही ने। मैक्सिमम आंसर्स अटेंडिंग ऑल द लाइव सैशनस एंड यू गैट अ शगन 501 रुपया, 251 ते 101, तीन शगन अज आपां देने ने। चलो एक्सो बायोलॉजी, सो द जोश इज़ वेरी हाई विच इज़ नाइस। की हुंदी है एक्सो बायोलॉजी जी? एक्सटर्नल करैक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गैनिजम्स, लाइफ ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, लाइफ इन द आउटर लेयर ऑफ एटमोसफेयर, लाइफ इन अदर प्लैनेट्स एंड स्पेस। हाँ जी, ओके, एस पठानिया इज बैक, बड़े दिनों बाद देखे। डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ यू आर राइट, बिल्कुल सही, डी राइट आंसर है जी। ओके, सो डी इज द राइट आंसर। अगे चलते हैं, अ रेयर एंड एंडेंजर्ड एनिमल इन साइलेंट वैली इज केड़ा है? साइलेंट वैली दे विच रेयर ते एंडेंजर्ड एनिमल। साइलेंट वैली कितने मिलती है जी? दैट इज अनदर क्वेश्चन। ओके, साइलेंट वैली कितने है? जिहड़े तुहानूं एकदम क्वेश्चन पूछे जाते हैं उहदे एक्सट्रा नंबर ने, राइट। सो बिल्कुल सही क्वेश्चन, द आंसर इज केरला। ओके, एंड द जानवर इज, ओके ठीक गल है जी, लॉयन टेल्ड मकाक, ये हैगा रेयर ते एंडेंजर्ड एनिमल। बिल्कुल सही आंसर ऑल ऑफ यू, नैन्सी, गीत, साक्षी, अवनीत, पंडित जी। चलो सी, ओके, व्हाट काइंड ऑफ सॉइल इज ट्रीटेड विद जिप्सम टू मेक इट सूटेबल फॉर क्रॉपिंग। सो जिप्सम कहो जी सॉइल दे विच पाया जाता है ताकि उहदा जिहड़ा फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ ने मॉडरेट जियां हो जान। एल्कलाइन सॉइल दे विच पाया जाता है, एसिडिक दे विच पाया जाता है, या फिर वाटर लॉग्ड सॉइल जिहड़ी हुंदी है, या फिर जिहड़ी सॉइल दे विच क्ले कंटेंट बहुत ज़्यादा होवे। साक्षी, राधिका, गीत, सुमन पठानिया, रिया, सो राइट द आंसर इज ए, एल्कलाइन सॉइल। ठीक है जी, द केमिकल यूज फॉर डिस्ट्रॉइंग फंगी इन द वॉटर टैंक्स इज, इनू फंगी कहते हैं, ठीक है, गूगल प्रोनाउंसिएशन इदा करता है। सो केड़ा केमिकल यूज किया जाता जी जे पानी दियां टैंकियां दे विच फंगस जमा हो जाए? इज इट कॉपर सल्फेट, मैगनीशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट या नाइट्रिक एसिड? एंड आई मस्ट टैल यू, ये जी PPTs ने तुम्हें PDF फॉर्मेट के साडे टैलीग्राम चैनल पर भी मिल जाए ने। जिमें कोई साइंस बैकग्राउंड तो नहीं है बच्चा, उन्होंने घबराहट ना हो रही होवे, वाच आराम ना पढ़ो, याद करो। सो ए इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ यू आर गिविंग द राइट आंसर, दैट इज वेरी गुड। सुमन, कशिश, नैन्सी, ओके, सब तो पहले आला आ गए सी मेरे को आंसर। चलो अगे चलिए जी, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज ऑबटेन्ड फ्रॉम द सी एल्गी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आर्गन, सल्फर, वेनेडियम या आयोडीन? हाँ जी, हाँ। सो कई बार ह्यूमन कंजम्पशन कर लेंगे ने इस एलगी वगैरह दी, राइट, बिकॉज ऑफ बायो मैगनीफिकेशन, उहदे करके कुछ डिजीजेज भी हो जाते ने। एंड द राइट आंसर इज आयोडीन, बिल्कुल सही, आयोडीन इज द राइट आंसर। हैंग हो जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वीड्स हैज बीन फाउंड यूजफुल टू चेक वाटर पोल्यूशन कॉज बाय इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स?
बड़ा ही इंपॉर्टेंट है जी, एनवायरमेंट रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड वेरी इजी ऑल्सो। केड़ा वीड है, मतलब एक प्लांट, वैसे तो अनवॉन्टेड होंदा है, बट ये वीड नू जदों ऑब्जर्व किया गया, अपन नोटिस किया भी ये जिहड़ा पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन उन्हें सॉल्व करता है, राइट, पानी नू प्योरीफाई कर देता है जिथे उग गया होंदा। सो की आंसर है इहदा? पार्थीनियम, एलीफेंट ग्रास, वाटर हायसिंथ, बोथ वन एंड टू। अवनीत इज सेइंग सी। गुड ईवनिंग मनजीत जी। साक्षी इज सेइंग सी। बाकी सारे तो मैं लगता भेडा ने, वो वाला काम तो नहीं, सड़क तो देखिए भेडा एक सड़क पार कर दी है, बाकी सारिया भी कर लेंदियां ने, वो तो नहीं हो जाता। सी इज द राइट आंसर। डी 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 कर रहे हो सारे, हाँ नीट के दौरान पढ़ा था, वेरी गुड। सी इज द राइट आंसर। वाटर हायसिंथ इज द वीड विच इज यूजफुल टू चेक वाटर पोल्यूशन। ठीक है, चलो जी। अच्छा, नीट वाले बच्चे ले गए ने नंबर। गीते सिंह, वी आर नॉट पेड। ओके, लेट्स नॉट बिहेव लाइक वंस द पेड्स। स्टडी ऑफ फील्ड क्रॉप्स इज कॉल्ड व्हाट? फील्ड क्रॉप्स की स्टडी नू एदे विचों की कहिंदे ने जी? पोमोलॉजी, एग्रोनॉमी, ओलेरीकल्चर, फ्लोरीकल्चर, की कहिंदे ने? फ्लोरीकल्चर इज वेरी ईजी, फ्लावर्स, राइट। बाकी भी तुसी मैनू दसना है। ओलेरीकल्चर इज व्हाट? सो पहले आंसर दे लिए, स्टडी ऑफ फील्ड क्रॉप्स इज कॉल्ड व्हाट? इज इट पोमोलॉजी, इज इट एग्रोनॉमी, ओलेरीकल्चर या फ्लोरीकल्चर? फ्लोरीकल्चर इज वेरी ईजी, पता ही है सानू। एग्रोनॉमी मैक्सिमम स्टूडेंट्स का आंसर है, राइट। सो ये हो गया सही, अगे वधदे हैं। पोमोलॉजी की है, ओलेरीकल्चर की है, एंड पीपीएससी लेवल के क्वेश्चन दे विच एहोजा वन लाइनर बहुत आसान हो जाता है। सो आई वुड से मैच द फॉलोइंग अगर कर दी इसी क्वेश्चन नू, फिर वो अच्छा अच्छे लेवल का क्वेश्चन बन जाता है। वेजिटेबल्स, बिल्कुल सही। फ्रूट्स, पोमोलॉजी, ठीक गल है। चलो, वेरी नाइस। हुम हुमा के हिस्सा लेता जा रहा है जी। टॉक्सिकोलॉजी इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ, वेरी इजी है कि नहीं, वायरसेस, बैक्टीरिया, डिजीजेस या पॉइजन्स? जो लड़ाई हो जाती है तो कहते यू आर वेरी टॉक्सिक, हिसाब ला लो फिर। सो इट इज राइट। सो पॉइजन्स, टॉक्सिकोलॉजी इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ पॉइजन्स। The standard audible capacity of a healthy human being as per World Health Organization is in the range of 45 to 50, 200 to 250, 5 to 10, 2000 to 2500 decibels. So decibels de vich puchhe hai, hertz de vich nahi puchhe hai. If you tell me the hertz as well, which is not harmful for human beings. Oh keda hunda hai, te ode vi tuhanu vadhu number dite jaange. हाँ जी, की लिखन लग गए हूँ? अच्छा, गाने याद आ रहे हैं। 200 तो 250, 45 तो 50, बड़े अलग अलग आंसर्स आ गए ने जी। बी, अ लॉट ऑफ यू आर सेंडिंग बी। नो, दिस इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। किने देता है सी आंसर? कितने गया? एक तो आंसर खो जाते हैं, किता सी ना किसी ने, हाँ कशिश गर्ग इज सेइंग नो, 45 to 50। ओके ओके, हाँ वो सही है, 20 hertz to 20,000 hertz, ठीक है जी। चलो हुण कर लो याद, इन्हों चीज़ों की कन्फ्यूजन एक दो क्वेश्चन की भी हट जाए, जेडे बच्चे तैयार ने पेपर वास्ते।
द पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज डन. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स इज मोस्ट लाइकली टू प्रोड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस सच एज नाइट्रस ऑक्साइड एंड मिथेन. हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स इज मोस्ट लाइकली टू प्रोड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस सच एज नाइट्रस ऑक्साइड एंड मिथेन. हाँ जी, नायब वाले दस दौ नैगेटिव मार्किंग हैगी कि नहीं, यहो जे मसले आप ही हल कर लिया करो. 22 तरीक नूं पेपर है तुहाडा. आई मेड सो मैनी वीडियोज़ ऑन दिस एनालिसिस. कोई भी अपडेट आंदा आप सारिया वीडियोज़ भी बनाई हुई ने. देर इज़ गोइंग टू बी अनदर वीडियो 30 days. लास्ट 30 days दे विच की करना है ऑन नायब तहसीलदार, उते नज़र रखियो. ठीक है जी. सो वॉट यू आर सेइंग, विच आर द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स इज मोस्ट लाइकली टू प्रोड्यूस ग्रीन हाउस गैसेज सच एज नाइट्रस ऑक्साइड एंड मिथेन. इज इट फंगी, अर्थवॉर्म, बैक्टीरिया, ग्रीन प्लांट्स? ओके, आई विल गिव यू अ हिंट. इत्थे ग्रीन प्लांट्स जेडे ने दे आर यूज्ड इन रेफरेंस टू एग्रीकल्चर. जिहड़ा आपां एग्रीकल्चर करदे हां उहदे रेफरेंस ते पुछिया गया. सो द आंसर इज टू योर सरप्राइज ग्रीन प्लांट्स. राइट, एग्रीकल्चर इज द लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज एंड स्पेशली नाइट्रस ऑक्साइड एंड मिथेन. ठीक है जी. सो डी इज द राइट आंसर. अर्थवॉर्म बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स. हुण जिहड़े एग्जाम दे विच ए आया सी उहदी एक्सप्लेनेशन दे विच ए सीगा, जिहड़ी ऑफिशियल आंसर की आई सी, दैट पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, ऑल दीज आर यूज्ड. फिर डीकंपोजिशन जिहड़ी हुंदी है उहदे करके. राइट, सो दैट वॉज द आंसर गिवन देयर. लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू द ग्रीन हाउस गैसेज लाइक नाइट्रस ऑक्साइड एंड मिथेन. सो स्पेसिफिकली इट इज़ दिस क्वेश्चन, यू शुड मार्क दिस. जे मान लो PPSC या जो भी पेपर कंडक्ट करवा रहा है वो कहता अर्थवॉर्म, तुसी एटलीस्ट एक अच्छा केस प्रेजेंट कर सकते हो. रिटा रुटा भी पैदा ने ना. ठीक है, सो दैट वॉज द एक्सप्लेनेशन. सो कुछ चीज़ा होंदिया ने वो बड़िया कन्फ्यूजिंग होंदिया ने. सो लेट्स गो फॉर वॉट द नैशनल बॉडीज आर फॉलोइंग, है ना. ये साढ़े को बेस्ट ऑल्टरनेटिव है भी UPSC की कर रही है यहोजे क्वेश्चन दे विच, या फिर कोई होर CDS का पेपर लिता, NDA का पेपर लिता, वो भी तुसी करोगे. इफ दैट इज रिलेटेड टू योर सिलेबस इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू. ठीक है, सब सुप जिन्हें बनाया करो कमेंट दे विच, तुहाडा कमेंट यूट्यूब विद होल्ड कर लैंदा. फ्लैट फुटेड कैमल्स कैन वॉक ईजली इन सैंडी डेजर्ट्स बिकॉज फ्लैट फुटेड कैमल्स. तुसी गए होगे शायद सैंड ड्यून्स दे विच, चलन दे विच बड़ी दिक्कत आती है तुहानू, है ना. सो हाउ डू कैमल्स मैनेज, बिकॉज प्रेशर ऑन द सैंड इज डिक्रीज्ड बाय इनक्रीजिंग द एरिया ऑफ सरफेस इन कंटैक्ट. प्रेशर जड़ा है सैंड दे उते वो घट जाता है, बिकॉज द एरिया ऑफ सरफेस इन कंटैक्ट टू द सैंड वो बढ़ जाता है. राइट, या फिर प्रेशर ऑन द सैंड इज इनक्रीज्ड by increasing the area of surface in contact. So, इत्थे की कह रहे ने, pressure वध जांदा है because of surface वध जांदा है. Pressure on the sand is decreased by decreasing the area of surface in contact. So, basic जी गल है, देखो आ कोई भी तुहाडे कोल पिन है, सूई है, वो तिखी क्यों हुंदी है? Because the area of surface which is in contact वो घट जाएगा and pressure वध जाएगा. यही logic है ना. Something which is not sharp उसकी शार्पनेस नूं तुसी घटाई चलो तो की होएगा? प्रेशर जिहड़ा डिक्रीज हो जाएगा बिकॉज सरफेस एरिया वध जाएगा. सो ए इज द राइट आंसर. ठीक है जी. कई बार वो यू नो बीच ते लंबे लंबे जे पैर होंदे ने ना डाइविंग करन वास्ते, डीप सी डाइविंग वास्ते पाए जाते हैं, वो पा के तुसी चलो तो चलना सैंड दे उत्ते आसान हो जाता है. न
दैट इज़ वाई जिहड़े तुहानू थार सफारी सफूरी करवाते हैं उहदे चक्के भी मोटे पवाए जाते हैं, है ना, टू इनक्रीज द एरिया ऑफ सर्फेस इन कंटैक्ट। बेसिक एनसीईआरटीज उहदा कंसैप्चुअल क्वेश्चन है। सो ए इज़ द राइट आंसर। बी कीपिंग इज नोन एज वट, सेरीकल्चर, एपीकल्चर, एक्वाकल्चर, एग्रीकल्चर। यदि गल आप हमने एक करंट अफेयर क्लास के भी की है रीसेंटली। सो बी कीपिंग की कहने आप, सेरीकल्चर, एपीकल्चर, एक्वाकल्चर या एग्रीकल्चर? क्विक 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 ईजी क्वेश्चन, ज़्यादा टाइम ना लाइए आप। राइट, सो एपीकल्चर इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, एच वाई वी रेफर्स टू वॉट? ईजी क्वेश्चन, कर लो शगन इकट्ठा कर लो, फटाफट कर लो। हाइब्रिड यील्डिंग वरायटी ह्यूमन येलो वायरस, हाई यील्डिंग वरायटी ह्यूमन येलो वैक्सीन। ए ए अगे पिछे तो नहीं रह गए, ये कितों आंसर दे जा रहे हैं कुछ बच्चे? हाइब्रिड यील्डिंग वरायटी नहीं है, यही तो कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इट इज़ हाई यील्डिंग वरायटी, यील्ड यानी प्रोड्यूस, फसल की जड़ी पैदावार है उन्होंने इनक्रीज कर देंदी है ये वाली वरायटी बीजा दी। ग्रीन रेवोल्यूशन इन्हों करके आया सी, ठीक है जी। सी इज़ द राइट आंसर। इन फूड चेन, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान नाल पढ़ियो, गलत करोगे क्योंकि मैंने पता है। इन अ फूड चेन द सोलर एनर्जी यूटिलाइज बाय प्लांट्स इज ओनली 10%, 1%, 0.1%, 0.01%। देखो फूड चेन दे विच एक तो कंसैप्ट आप करते हैं भी जे इत्थे 100 अपना यूनिट्स ऑफ एनर्जी है तो अगले लैवल ऑफ फूड चेन ते 10% ही जाएगी, वो अलग चीज़ है। इत्थे की लिखा हुआ है इन अ फूड चेन द सोलर एनर्जी यूटिलाइज बाय प्लांट्स, एकदम अलग चीज़ है। सो ये दो कंसैप्ट्स नू आपा कन्फ्यूज नहीं करना, ठीक है जी। की कहने हो, 0.1% इज द राइट आंसर। not 1%, गलतियां हो रही ने। चलो It's fine to make mistakes at this point of time. The poison of honeybee is what? Acidic, alkaline, saltish, protein. Full of protein. सारे जिम वाले लोगों मधुमक्खियाँ छते कोल बिठा दो, उन्हों का प्रोटीन पूरा हो जाएगा। सो द पॉइजन ऑफ हनीबी इज वॉट, ये नहीं आंसर हैगा, वैसे ही कह रहे हैं। और सच्ची एक अद्धा चल जाए थोड़े तो कि जिम लाई जाना, ग्रोथ जी नहीं हो रही, मधुमक्खियां दसो कितने करके ने। की आंसर है यदा? एसिडिक, एसिडिक इज द राइट आंसर। पॉइजन ऑफ हनी बी एनसीईआरटी साइंस दिया। व्हाट आर यू डूइंग, एनसीईआरटी पढ़ लो, साइंस वास्ते एनसीईआरटी आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो एसिडिक, हनीबी का जहर इज एसिडिक, फॉर्मिक एसिड। एनसीईआरटी दे विच एक टेबल जिहा भी बनया होया है कि केड़े डिफरेंट एसिड्स प्रोड्यूस होंदे ने। चलो कोई गल नहीं, एमसीक्यूज कर लो या तो मैक्सिमम साइंस बैकग्राउंड वाले, बट एनसीईआरटी तो क्वेश्चन दिखणगे तुहानू। एंड स्पेशली वैन यू आर गोइंग फॉर पंजाब सिविल सर्विसेज या पीपीएससी दे पेपर्स, दे आर गोइंग टू फॉलो एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी नहीं छड्डण वाले। हीमोफीलिया इज मोस्टली एसोसिएटेड विद वॉट? लेबरर्स। सो ऑबियसली एक बीमारी का नाम है, मजदूरों ज़्यादा होंगी है, रॉयल फैमिलीज़ नू ज़्यादा होंगी है, राजे रजवाड़े मतलब माइनर्स माइनिंग का काम करते या स्पोर्ट्स परसन? हाँ जी, सो हिंट, ए बीमारी ये खून जड़ा है और जमदा नहीं,
ਐਂਡ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਇੰਟਰ ਬਰੀਡਿੰਗ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲੋਜ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਐਂਡ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਲੇਟਡ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੰਟਰ ਬਰੀਡਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਇੰਟਰ ਮੈਰਿਜਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਰੋਇਲ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ 'ਚ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਦ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਬੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੋਇਲ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਐਂਡ ਹੋਰ ਵੀ ਰੋਇਲ ਫੈਮਿਲੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ 'ਚ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਹੋਏ ਸੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦੇ। ਰਸ਼ੀਅਨ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਹੈਬਸਬਰਗ ਐਮਪਾਇਰ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੀ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੇਮ ਗੋਤਰ ਮੇ ਸ਼ਾਦੀ। ਹਾਂ, ਇੰਡੀਅਨ ਵਰਜ਼ਨ ਆਫ, ਇਸ ਲਈ ਕਹਾ ਥਾ ਇਨਕੋ ਮਤ ਕਰੋ, ਇਹ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਨਤੇ। ਸੋ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਦ ਕਰੈਕਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਬਾਇਓਗੈਸ। ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮਿਕਸਚਰ ਆਫ ਗੈਸਿਸ ਫਰੋਮ ਵਲਕੈਨੋਸ, ਗੈਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਫਰੋਮ ਸਰਟਨ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਵੈਲਸ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਕੂਏ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੈਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਬਾਏ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਕੰਬਸ਼ਨ ਆਫ ਬਾਇਓਮਾਸ, ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਕੰਬਸ਼ਨ, ਬਰਨਿੰਗ ਆਫ ਬਾਇਓਮਾਸ ਤੋਂ ਬਾਇਓਗੈਸ ਬਣਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੈਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਬਾਏ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬਾਇਓਮਾਸ, ਕੈਮੀਕਲ ਚੇਂਜਸ ਇਨ ਸਮਥਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ? ਰਾਈਟ, ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਕੁਛ ਪੁਰਾਣੇ ਖਿਲਾੜੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਦਿਖੇ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿਖੇ ਨੇ, ਕਿ ਵਿਚਕਾਰ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉੱਪਰੋਂ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ। ਡੀ ਇਜ਼ ਦ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਲੈਪਟੋਪ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਡਿਵਾਈਸਿਸ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਵਟਸਐਪ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਆਉਣ। ਨੈਚੁਰਲ ਔਰਗੈਨਿਕ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਆਰ ਫਾਊਂਡ ਟੂ ਬੀ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਕੈਮੀਕਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਔਰਗੈਨਿਕ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਦ ਕੈਮੀਕਲ ਵੰਸ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਮੀਕਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਦੇ ਆਰ ਲੈਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ, ਔਰਗੈਨਿਕ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਆਰ ਮੋਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ। ਔਰਗੈਨਿਕ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਦੇ ਸਸਟੇਨ ਆਇਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ, ਇੱਥੇ ਆਇਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਸੋਇਲ ਆਉਣਾ, ਸੋਇਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ। ਕੈਮੀਕਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਆਰ ਟੌਕਸਿਕ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ, ਧਿਆਨ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜੀ। ਕੈਮੀਕਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਆਰ ਲੈਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਮੋਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਔਰਗੈਨਿਕ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਅਡੋਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੈਲੇਂਜ ਕੀ ਆਉਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਔਰਗੈਨਿਕ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਆ ਮੋਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ, ਨਹੀਂ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਨੋਟ। ਨਾ ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕੈਮੀਕਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਆਰ ਟੌਕਸਿਕ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਬੈਟਰ ਆਪਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਰੀਸੈਂਟਲੀ PPSC ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਆਰ ਸਪੋਜ਼ ਟੂ ਚੂਜ਼ ਦ ਰਾਈਟ ਹਾਈਫਨ ਮੋਸਟ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਆਨਸਰ। ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ? ਵਾਟ ਵਾਜ਼ ਦ ਰੀਜ਼ਨ? ਰੀਜ਼ਨ ਵਾਜ਼ ਦੀਜ਼ ਕਾਇੰਡ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ, ਅਗੇਨ ਆਈ ਐਮ ਸੇਇੰਗ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਔਰਗੈਨਿਕ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਕੈਮੀਕਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ, ਅਤੇ ਇਨ ਦ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਉਹ ਸੋਇਲ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੋਇਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਈਏ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਾ ਦਈਏ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋਇਲ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ ਇਨਫੈਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਵਨ। ਅਗੇਨ ਆਈ ਐਮ ਸੇਇੰਗ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੋਸਟਲੀ। ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂ, ਔਰਗੈਨਿਕ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਚੈਲੇਂਜਸ ਨੇ, ਬਟ ਸੋਇਲ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਉਹ ਘਟਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੈਮੀਕਲ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਬਟ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਸੀ ਇਜ਼ ਅ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਪਲੱਸ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਬੜੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਟੌਕਸਿਕ, ਪੋਇਜ਼ਨਸ। ਪੋਇਜ਼ਨਸ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਚੂਹੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਦਵਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੌਕਸਿਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਰੱਟਾ ਲਾ ਲਓ, ਗੁੱਡ। ਸ਼ੰਕਰ, IAS ਇਜ਼ ਗੁੱਡ,
Yes, Shankar IAS is a good book, but it is too much. बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लिखा हुआ है जिथे डिस्कशंस ने वो वालियाँ ना पढ़िया करो. वो बेसिकली न्यूज़पेपर जिहड़ा है द हिंदू ते इंडियन एक्सप्रेस उन्हें कॉपी पेस्ट करके छापिया हुआ है. बहुत हिस्से किताब दे वो चीज़ है, राइट? एंड इट बिकम्स इररेलेवेंट ऑलसो फॉर यू पीपल. लंबिया लंबिया गल्लां कंसैप्ट समझण वास्ते शंकर IAS इज गुड, ठीक है? अदरवाइज तो इंटरनेट का भी इस्तेमाल कर लो, उतों भी एक एक वर्ड लिखोगे दूसरी वर्ड तो यू नो लिंक दबा दबा के तुसी अच्छा पढ़ सकते हो, प्रोवाइडेड तुहानू पता है की पढ़ना. वाई डेथ्स और डेथ ऑफ फिशेज इज मोर कॉमन ड्यूरिंग समर दैन इन विंटर, क्यों होंगे? हिंट तुहानू मैं दे देना, समर दे विच डीकंपोजिशन वध जाती है, इदां ही होंगे, सब्जियां खराब होनिया शुरू हो जाती, सर्दियों के नहीं है प्रॉब्लम आती, डीकंपोजिशन जो वधी है, माइक्रो ऑरगेनिजम्स आर रिस्पोंसिबल फॉर डीकंपोजिशन. सो माइक्रो ऑरगेनिजम्स ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं, ये हिंट है जी तुहाडे वास्ते. सो इज इट शॉर्टेज ऑफ फूड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टॉक्सिन्स, डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन, स्प्रेड ऑफ डिजीजेस. आई होप तुहानू कंसैप्ट समझ आ गया कि बोलिया मैं, डीकंपोजिशन तेज़ हो जाती है, माइक्रो ऑरगेनिजम्स रिस्पोंसिबल फॉर डीकंपोजिशन, दे कंज्यूम अलॉट ऑफ ऑक्सीजन एंड द ऑक्सीजन कंजम्पशन वैन इट इज़ इनक्रीज तो वाटर बॉडी के जिहड़ी डिजॉल्वड ऑक्सीजन है DO घट जाएगी. ऑक्सीजन की जिहड़ी डिमांड है जिन्होंने असं कहने बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या कैमिकल ऑक्सीजन डिमांड वो वध जाएगी, है ना? इदा ही होंगे, जो डिजॉल्वड ऑक्सीजन घट गई तो डिमांड बढ़ गई, सो डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है, दैट इज़ वाई मछलियाँ मर जाती हैं, ठीक है? दबा दिओ फिर इसी गल ते लाइक, लाइक बहुत थोड़े पहुँचे ने. ह्यूमन बीइंग्स हैव टू ईयर्स बिकॉज दो कान क्यों ने इंसान दे, होर भी जानवर दे ने वैसे तो, बट द रीजन इज टू जज द डायरेक्शन ऑफ साउंड, टू हेयर ईवन फीबल बहुत छोटिया मोटिया साउंडस भी सुन जा, टू इंजॉय म्यूजिक बैटर. ये गल मैनू लग रही है सही. अगे चलते हैं. ड्यू टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू काइंड ऑफ साउंडस अराइविंग एट द ईयरस इन ऑपोजिट डायरैक्शनस, सो ताकि आप डिस्टिंग्विश कर पाए पाइए किड़ी डायरैक्शन तो कि साउंड आ रही है, ठीक है? ये देखो ये पेपर पाए जाते हैं ताकि थोड़ा जहाँ स्ट्रैस घट जाए, तुम पेपर देंदे हुए थोड़ा जहा हसो कि आ की गल कहती. हाँ जी, सो यू आर गिविंग आंसर्स सी, ओके, डी इज़ द राइट आंसर जी, ताकि पता लग जाए कि डायरेक्शन तो आवाज आ रही है, ओके. व्हेन नाइट्रोजनस वेस्ट अक्यूमुलेट्स इन द ब्लड विच ऑर्गन इज नॉट फंक्शनिंग, केड़ा ऑर्गन खराब हो जाता है एंड ओदा काम ही यह होंगे कि नाइट्रोजनस वेस्ट नू फिल्टर करके बॉडी तो बाहर कढ़ना. सो जे इदा नहीं हो रहा दैट मीनस केड़ा ऑर्गन खराब है जी, लिवर खराब है कि लंग्स खराब ने कि किडनीज के हार्ट. चलो नाइस, किडनीज राइट, एंड डायलिसिस करवाना पड़ेगा फिर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ध्यान नाल पढ़ लियो, ये भी क्वेश्चन गलत कर देंगे बच्चे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, इज इट वूल, पॉलीथीन बैग्स, प्लास्टिक्स, नाइलन. नाइलन हाँ जी, हाँ जी, ओबियसली ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी ने, कुछ फ्रेश कंटेंट भी है, ए वूल बिल्कुल सही, दिस इज नेचुरल एंड बायोडिग्रेडेबल. विच विटामिन इज प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन बॉडी बाय एक्सपोजिंग इट टू अर्ली मॉर्निंग सन रेज, धुप च बैठना केड़ा विटामिन बॉडी नू मिलता है, इनक्रीज होंदा है, क्विक स्पीड बताइए आप थोड़ी जी. इट इज़ अ विटामिन डी एंड द ऑप्शन इज ऑल्सो डी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. चलो जी, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट इज यूज्ड एज अ फूड प्रिजर्वेटिव फॉर
स्क्वैश, टोमेटो केचप, फ्रूट जूस, पिकल्स, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट। सो द आंसर इज केमिस्ट्री दे लास्ट चैप्टर अवनीत सिंह प्लस टू क्लास दे। जिन्होंने नहीं पढ़िया टेंशन वाली कोई गल नहीं, एमसीक्यूज कर लांगे। डी 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 गलत, सी इज द राइट आंसर, फ्रूट जूसेस। याद कर लो, रट्टा मार लो, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट तुसी पेपर दा की याद रखना है, बस बस फ्रूट जूसेस नू प्रिजर्व करन वास्ते प्रिजर्वेटिव। टबैको स्मोक इज इंजीरियस, स्मोक इज इंजीरियस टू हेल्थ बिकॉज इट कंटेन्स कार्बन मोनोक्साइड, निकोटीन, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, मिलेथीन। सो आप टबैको की गल नहीं कर रहे, बट टबैको स्मोक की गल कर रहे हैं, वो क्यों हार्मफुल है? कंपीटिशन बहुत ज़्यादा है। हाँ, एमसीक्यूज ये रियलाइज करना चाहिए तुहानू भी, कंपीटिशन बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल। सो आकाशिश रोली एंड मैनी अदर्स, नाउ तुसी सही आंसर देते हैं, कार्बन मोनोक्साइड इज द राइट आंसर। ठीक है, याद कर लो फिर, जिन्हां नू नहीं पता सी या जिन्हां ने तुक्का ला के सही किया, पेपर च ना तुक्का लाना पवे, ए इज द राइट आंसर। डोरमेंसी पीरियड, जदों सो जाते ने जानवर, बिकॉज उस टाइम तो फूड अवेलेबल नहीं होंदा, सो दे गो टू स्लीप ताकि एनर्जी प्रिजर्व कर सकन। ऑफ एनिमल्स ड्यूरिंग विंटर सीजन इज नोन एज वट? एस्टिवेशन, हाइबरनेशन, रीजनरेशन, म्यूटेशन। अच्छा, ओ गॉट इट, हाइबरनेशन इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। ठीक है जी, अगे द ड्रोन इन हनी बी आर वॉट? जड़ा ड्रोन कहने आप हनी बीज दे विच, वो कौन होंदा है? फर्टाइल मेल, फर्टाइल फीमेल, स्टेराइल मेल, स्टेराइल फीमेल। फर्टाइल जड़ा बच्चे पैदा कर सकता है, स्टेराइल जड़ा नहीं कर सकता। सो फर्टाइल मेल, फीमेल, स्टेराइल मेल और फीमेल, वॉट इज द राइट आंसर? क्विक, वन आंसर इज हेयर, साक्षी सिंह ए इज राइट आंसर, फर्टाइल मेल। हाँ जी, कशिश, ऐश, राधिका, पठानिया, राइट। सो सही आंसर है जी ए, फर्टाइल मेल। स्टोन कैंसर अकर्स ड्यू टू वॉट? रीसेंटली किया सी आपां, आई डोंट नो यूट्यूब ते शायद, स्टोन कैंसर जेड़ा हुंदा है वो क्यों हुंदा है? एसिड रेन करके, ग्लोबल वार्मिंग करके, रेडियो एक्टिविटी करके, या फिर बैक्टीरियल एक्शन करके? नाउ द रीजन इज कि जिवें ताजमहल का पत्थर जेड़ा है वो पीला हो रहा है बिकॉज ऑफ वॉट? आंसर, बिल्कुल सही जी, एसिड रेन इज राइट आंसर। स्टोन कैंसर या मार्बल कैंसर, उदा की कारण है? उदा कारण है एसिड रेन, राइट। बफरिंग तो नहीं हो रही, इज इट बफरिंग? चलो, वेरी नाइस, ए इज द राइट आंसर। प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज व्हाट? सो शराब बनाई होनी है कुछ लोगों ने, तुहाडे विचों जरूर, पूरा यकीन है मैनू। प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल जिहड़ी है उदे प्रोसैस नूं आपां की कहने आ? कंबशन, फॉर्मेटेशन, एनरोबिक रेस्पीरेशन, एरोबिक रेस्पीरेशन। हाँ जी, चलो ये सारे नूं पता है। नो नो सर, की कह रहे हो कि नहीं बनाई? तो ऑब्वियसली मैनूं पता है। हाँ राइट, फॉर्मेंटेशन इज द राइट आंसर। जिन्हों की साइंस हाले भी कच्ची रह रही है, एन सी आर टी चक लो, सिक्स टू टेंथ एन सी आर टी पढ़ लो। ठीक है,
बहुत बनाई है। चलो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय व्हाट? एनवायरमेंट पोल्यूशन को कितना घटा सकते हैं? एटमिक बंब ना मारिए एक दूसरे पे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज करिए, पेट्रोल डीजल के दाम भी बहुत ज्यादा ने, सीवेज ट्रीट करके नदियां दे विच सटिए, विदाउट ट्रीटमेंट वी शुड नॉट बी थ्रोइंग अवे आर सीवेज इन टू रिवर्स, ऑल ऑफ द अबव। यस, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही जी, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल बाय ऑल दीज थिंग्स। वेरी इजी क्वेश्चन, बट ऐसे इजी क्वेश्चन भी तुम्हें पेपर के 100% दिखेंगे, 100% दिखेंगे, 100% पेपर इज नॉट गोइंग टू बी डिफिकल्ट। दैट वॉज ऑल, वेलकम बैक टू स्पेस। यू हैव सक्सेसफुली यूज द लॉन्च व्हीकल ऑफ लॉन्च पैड एंड यू हैव रीच स्पेस। ठीक है जी, सो दैट वॉज ऑल फॉर टूडे। बैसाखी मैराथन, अगला मैराथन संडे न होएगा, एंड अगेन शगुन स्कीम, अज वाली जी स्कीम सी उदा इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अस, इन्ने अच्छे रिस्पोंसिस विचों आइडेंटिफाई कर पाना, बट वील ट्राई आर बेस्ट, है ना। एक कोई अज कमेंट कर रहा है, कहना भी रूली नू देता प्राइज़, मैं ज़्यादा सही किए से। सो तुसी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन दे विच अपना डिस्प्यूट सैटल कर सकते हो जी। ठीक है, चलो इट इज़ जस्ट एन एनकरेजमेंट, होर कुछ नहीं है। तुहाडी पढ़ाई बोरिंग ना रहे, इंट्रस्टिंग बनी रहे इहो जिहियां चीज़ां नाल, है ना। एक कम्यूनिटी कंसर्न ऑनलाइन एजुकेशन दे विच बनिया रहिंदा, एक दूसरे नाल कनैक्शन, दैट्स इट। बाकी पढ़ो सीरीयसली, सारे पेपर कट दो, एंड विल मीट वेरी सून फॉर द नेक्स्ट सेशन ऑन यूट्यूब। हाँ, रूली ने वकील कर रखे कहिंदी। चलो जी, ठीक है, देन ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड नाइट, मिलते हैं अगली क्लास दे विच।